सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो है अरसलान भाई के सेटअप पे आए हैं ना, तो उनको भी दिखाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अरसलान भाई ये बताएं, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सीनरी और सब कुछ लगाया हुआ है, केजेस भी बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए हैं, क्या लगाया हुआ है ये? आने वाले सीजन का इंतजार, तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए कमरा बनाया है, बजरी टाइम एंड म्यूटेशंस लगाएंगे। कोई सिलेक्टेड कुछ बर्ड दिखाते हैं हमें, चुड़िया में और कुछ जो है तोतों में। भाई ये तो बजरी आप दिखा रहे हैं, तो बजरी सारे म्यूटेशन हैं। अच्छा, तो ब्लैक फेस वो हैं, उनके स्प्लिट्स हैं, डबल स्प्लिट है, फिर ब्लैक फेस फिर ब्लैक भी है। इसकी क्या मार्केट चल रही है यार? मार्केट सबकी अपनी अपनी है, अपने अपने हिसाब से बेचते हैं, जिसको ज़रूरत होती है सस्ता भाई ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं होती है। एवरेज प्राइस यही है, 4 लाख रुपए का बर्ड है। कुछ जरा ब्रीडर पेयर दिखाते हैं और उनकी ब्रीडिंग थोड़ा सा वो दिखा दें हमें। जी अरसलान भाई, कौन सा पेयर दिखा रहे हैं भाई? ये पेयर है सामने, ब्लैक फेस स्प्लिट ब्लैक विंग, ये मेल है, ब्लैक फेस और स्प्लिट ब्लैक विंग, तो ब्लैक विंग है, स्प्लिट ब्लैक फेस है, स्प्लिट ब्लू भी होगी ये। स्प्लिट ब्लू भी है। ये फर्स्ट पेयर लगाया हमने ब्रीड का। अच्छा, ये एग्जीबिशन लोगो है, ये डन फेलो है। किस पेयर के हैं बच्चे? अच्छा, ये स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग और स्प्लिट डन की फीमेल है, सही, और डन पहलू का मेल है, वो ब्रेड। इसके अलावा बाकी और एग्जीबिशन हैं, कुछ एग्जीबिशन बजरी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त लगाई हुई है। अभी ब्लैक फेस ब्लैक विंग, ये लेटेस्ट म्यूटेशंस लगाई हुई सारी। ये भी होगो ब्रेड पेयर है, स्प्लिट ब्लैक फेस ब्लैक विंग का, मतलब स्प्लिट ब्लैक विंग का है, विजुअल ब्लैक फेस होगो ब्रेड है, और इन्हीं के सारे बच्चे जो है बाहर मौजूद थे वीडियो के शुरू में। हाँ, इन्हीं में से कुछ पेयर्स के हैं, बाकी है अब ब्रीड आएगी तो दोबारा बच्चों में। अच्छा, ये जो केजेस आपने बड़े ज़बरदस्त लगाए हैं, ये केज, जैसे इस केज की बात करूँ मैं, ये कितने का ये केज पड़ता है? ये 15,000 रुपये का खाना होता है, एक दो दो चार दो छः दो आठ खाने का पिंजरा है, 20,000 रुपये का, 1,20,000 का आपको पड़ा है। पर ये खूबसूरती के अंदर अच्छा सेटअप रहता है। हाँ, ये यूरोपियन स्टाइल में जो है ब्रीड ले रहे हैं, असल में बर्ड भी सारे आपके इम्पोर्टेड हैं, यूरोपियन हैं, उसी मवेशी चलाते हैं, पुराने मॉल में आते हैं, तो वो है। तो असल जो है वजह ये होती है कि ये बर्ड इसलिए महंगे होते हैं, इनकी केयर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो है ये होता है। इसके अलावा देखें, ये जावा भी ब्रीड करा रहे हैं, तो समझ लें इम्पोर्टेड हैं और सारी हाई एंड म्यूटेशन हैं इस वक्त। ये इनके पास एक पेयर लगा हुआ है फ़ोन जावा का, इसमें एग्जीबिशन जो है फ़ोन मेल है और उसके साथ एगार्ड की फीमेल है। तो ये किस ब्रीडर का है? यूरोपियन ब्रीडर है, स्पेनिश स्पेन से। अच्छा, ये स्पेनिश लाइन है। इस तरह एक पेयर ये लगा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने ये कौन सा लगाया है जावा? इजाबेल का मेल है और पेस्टल एगेट की फीमेल है। ये दिखने में बर्ड बहुत छोटे लग रहे हैं, मगर जब इनको पकड़ा जाएगा तो उनका साइज जो है माशाल्लाह बड़ा ह्यूज है। ये डन फेलो है, यानी जो है सिल्वर और ग्रे में जो है रेड आई बर्ड, जिसको डन फेलो कहते हैं, और इसके यूमो भी कहते हैं, और ऊपर भी लगे हुए हैं। इनकी भी कुछ अभी ब्रीड आई हुई है, और ये बर्ड जो है बुकिंग पेस्टल फोन, ये पेस्टल फोन का है पेयर, ये इन्होंने अभी बुकिंग इसकी इनके बच्चों की ली हुई है।
तो इसका बच्चा क्या हिसाब सेल हो रहा है अरसलान भाई? इसका बच्चा हम बेचते हैं 1,73,000 रुपये का पेयर डीएनए करवा के। अच्छा 175 का जो है पेयर डीएनए के साथ इसका होता है। इसके अलावा इन्होंने कुछ ये बर्ड फोस्टिंग वगैरह मिक्स के लिए मिक्स लाइन के बर्ड है। ये इन्होंने एक मशीन भी ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी जो है कंट्रोल रहती है और ह्यूमिडिटी बिल्कुल इनके पास जो है ब्लैक पे। हाँ ये एक मशीन लगी हुई है, इसमें देखें ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल मेंटेन है। 49 होगी इसकी लिए, 44 है इसकी, 44 है और ये जल्दी जो है मेंटेन कर लेगी। इसके अलावा ये तो पुराना सेटअप है, पहले भी मैं वीडियो कवर कर चुका हूँ। ये फिंचेस का जो है वही यूरोपियन स्टाइल में जो है किया हुआ है। इसमें से इनके पास देखें ये कौन सा पेयर है, चारकोल, ये फीमेल लोड है ना एक्स पे। हाँ इंग्लिश ग्रे चारकोल है। फिंचों में वैसे कभी पता नहीं चलता कि फीमेल एग ले करने वाली है, मगर इसका साइज माशाल्लाह इतना अच्छा है कि इसमें साफ पता चल रहा है कि ये फीमेल। गोल्डियन भी बहुत टॉप क्वालिटी की लगी हुई है आपके पास। एक्वा है उसके साथ सिंगल फैक्टर लगा हुआ है, ये सारी फ्यूचर वर्किंग है जो गोल्डियन। कोई सिंपल गोल्डियन नहीं है, सारी स्प्लिट्स और जो है इसकी वर्किंग है। ग्रेटर के बर्ड है एवन मेरा के, उसके आके बच्चे लोकल मेरा प्रोड्यूस हुए थे वो ब्रीड में डाले। ये ग्रेटर हो गया माशाल्लाह, हैगलिंग आ रही है इसके अंदर, फीमेल अंदर है। ये कौन सा है, स्टार फिंच? स्टार फिंच बहुत माशाल्लाह जबरदस्त, ये ब्लू स्टार ब्लू में और मुख्तलिफ कलर्स में इनके पास लगी हुई है। कट थ्रोट है, कट थ्रोट में अल्बाइनो भी है और दूसरी भी है फोन। इसके अलावा एक ये पेयर मुझे बड़ा पसंद है इनके पास, वो दिख नहीं रहा मुझे कहीं, ये इंग्लिश लाइन का और चारकोल है इसके। मैं बच्चे भी अभी आपको दिखाता हूँ जो कि बस सेल्फ हुए हैं थोड़े, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त साइज़ के जो है ना बर्ड हैं। ये सारे मेल हैं, स्प्लिट हैं ये। और कुछ पोस्टिंग यहाँ पे मौजूद है। तो ये अरसलान भाई आपका सेटअप तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी आपने जो है इस पर वर्किंग की हुई है। तो आने वाले लोगों के लिए फ्यूचर में बताएं कि क्या गेम है और क्या प्लान है इस तरह का। देखें गेम तो सबके अपने अपने हैं, जो जिस तरह से गेम बनाना चाहे। बर्ड अवेलेबल है मार्केट में, कुछ अच्छे प्राइस में भी है, कुछ चीप प्राइस में भी है, पर यह कि आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट्स क्या हैं, आपको कौन सा बर्ड लगाना है। अब बात यह है कि हर बंदा पैसों के लिए पीछे भागता है, तो भाई किससे बर्ड से पैसे कवर कर ले। तो बर्ड महंगा आप बर्ड ख़रीदें जो एक्सपेंसिव बर्ड हो, जो भी लेटेस्ट म्यूटेशन आती है उसको आप ब्रीड कराएं, उसी में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अदरवाइज़ जो म्यूटेशनें पिट गई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, वो तो ऑलरेडी सबके पास मौजूद है। आपके पास बच्चा आएगा, दूसरों के पास बच्चा आया होगा। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि एडवांस बर्ड, जो भी बर्ड में काम करना है, अगर आपने कुछ कमाना है बर्ड में, तो एडवांस लेवल का बर्ड लगाएं। वो डब हो, फिंचेस हो, कोई सी भी जो है परिंदों में वैरायटी हो, उसमें एडवांस लेवल पे काम करना है, तो ये जो है आगे जो है फ्यूचर है इसका। वरना दाने की कॉस्ट और आपके जो एक्सपेंसेस जो हो जाते हैं इतने सारे, उस पर वो चीज़ें कवर नहीं कर पाती। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो इंशाल्लाह सलाम भाई से अगर कोई बर्ड चाहिए होगा तो मैं इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, वो मिल जाएगा। बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं ये, तो इनसे अब हम भी ख़रीदते रहते हैं बर्ड। तो अक्सर मेरे क्या लेके जा रहे हैं तो बता, मैं हाँ मैं इनसे असल में मैं वीडियो बनाने नहीं आया था, मैं इनके पास आया था ब्लू पाइड लेने और रेड पाइड लेने, तो वो मैंने ले लिया है। और डब का सेटअप आप दिखाते नहीं हैं ताकि वो आप डब का, तो हम इनको इतना इन्वाइट करते हैं मगर ये कभी नहीं आते हमारे पास, तो इनसे कभी कोई उधार लेके जाना पड़ेगा ताकि वो ढूंढते हुए आ जाएं, फिर हम उनको सेटअप भी दिखाएंगे अपना और इनके पैसे भी देने पड़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।